यह आजमगढ़ का जिलाधिकारी कार्यालय है और इस कार्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर ये आजमगढ़ का मंदुरी एयरपोर्ट। पहले कभी ये हवाई पट्टी हुआ करता था जो सपा की सरकार में पास हुआ और निर्माण भी हुआ। उस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, जो आज इस दुनिया में नहीं है। हवाई पट्टी का निर्माण होने के बाद सरकार बदली और भाजपा ने प्रदेश में अपना दबदबा बनाना शुरू किया। लेकिन भाजपा की निगाह सबसे ज्यादा कहीं थी तो वह आजमगढ़ पर थी, क्योंकि आजमगढ़ सपा का गढ़ माना जाता था और मौजूदा वक्त में भी है। भाजपा सरकार ने इस हवाई पट्टी को विस्तार दिया और इसको हवाई अड्डा का रूप दे दिया और हवाई अड्डा बनकर तैयार भी हो गया। दुर्भाग्य है कि तारीख पर तारीख के बाद भी अभी तक यहां से कोई प्लेन तो दूर हेलीकॉप्टर भी लैंड नहीं किया। सरकार के इस प्रोजेक्ट से स्थानीय लोगों में खुशी का ठिकाना नहीं था और शायद यही वजह रही कि धीरे धीरे भाजपा आजमगढ़ में भी अपनी पैठ बनाना शुरू कर दी। कुछ ही दिनों के लिए सही, लेकिन सपा का किला भेदने में भोजपुरी फिल्म अभिनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ कामयाब हुए और यहाँ के सांसद बने और अब आजमगढ़ सदर की बागडोर को संभाल रहे हैं। मंदुरी एयरपोर्ट को लेकर जो खुशियां स्थानीय लोगों में थी वो अब चकनाचूर हो गई है, क्योंकि इस सरकार में मंदुरी एयरपोर्ट को अब नेशनल एयरपोर्ट बनाने की कवायद तेज हो गई है और कथित रूप से स्थानीय अधिकारियों ने एक सर्वे किया और कुछ गांवों को चिन्हित किया, जिसमें लगभग 8 से 9 गाँव शामिल हैं। ग्रामीणों के मुताबिक इस 8 से 9 गांवों की जमीन पर सरकार की नज़र है और उस पर बुलडोजर चलेगा और उसके बदले उन्हें मुआवजा मिलेगा। अब मुआवजा कितना मिलेगा इसकी भी कोई प्रशासन की तरफ से घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों की माने तो 2.25 लाख प्रति विश्वा मुआवजा देने की बात चल रही है। जैसे इस बात की जानकारी ग्रामीणों को हुई वैसे ही ग्रामीण एकजुट होकर सरकार के इस प्रोजेक्ट का विरोध करना शुरू कर दिया और पिछले 21 दिनों से रोज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका मुख्य नारा है, जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। अब इस धरने को कुछ संगठनों के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों का भी साथ मिलने लगा है, जिससे गाँव वालों को कुछ उम्मीदें जगी हैं कि उनका अब आशियाना उजड़ने से बच जाएगा। इस मामले में आज एक आधिकारिक वक्तव्य भी सामने आया है, जिसमें एडीएम द्वारा ये कहा गया है कि जब तक 100 में से 80% लोग सहमत नहीं होंगे तब तक ना जमीन जाएगी और ना ही आपका आशियाना। जब तक 100% का 80% उसमें लोग सहमत देंगे तब ही होगा। अभी यहाँ से प्रस्ताव गया है, अभी न तो धनराशि मुक्त हो रही है, अभी तो सरकार का ये विचार है कि इसको विस्तारीकरण किया जाएगा। पहले 20 सीटर को अभी चलाएंगे और चलाने के बाद जो है और फिर उसके बाद अगला विचार है। वहीं से आगे 2-3 किलोमीटर आगे काफी जमीन है सरकारी साइड में, बहुत अगर वहाँ हो जाए तो जिन लोगों ने घर द्वार बना लिया बरसों। अब इन तस्वीरों पर जरा गौर करिएगा। हाथों में पोस्टल कार्ड लिए ये मासूम शायद सरकार से ही गुहार लगा रहा है कि छाहब मिला घर मुझसे मत छीनिए। ये भरी संख्या में महिलाओं को तस्वीर है और हाथों में पोस्टल कार्ड है। इस पे साफ साफ शब्दों में लिखा है कि जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। तिनका जोड़कर बनाए गए पूर्वजों की निशानी यानी ग्रामीणों के अपनी आशियाने पर बुलडोजर चलने का डर और हाथों से कड़ी मेहनत करके बनाई गई उपजाऊ भूमि को छिन जाने की चिंता इस कदर परेशान कर दी है कि ग्रामीण सारा काम छोड़ अपनी जमीन मकान बचाने को लेकर पिछले 21 दिनों से खिरिया के बाग जमुआ में धरने पर बैठे हैं। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और उड्डयन मंत्रालय को पोस्ट कार्ड लिखकर अपनी शिकायतें भेजी है और अपने आशियाने को बचाने की गुहार लगाई है। ग्रामीणों ने एक स्वर में लिखा है कि किसी भी कीमत पर जमीन मकान नहीं देंगे। सरकार को एयरपोर्ट की चिंता है पर हमारे बच्चों की नहीं। हमारे बाप दादा ने कितनी मुश्किल से मकान बनाए, हम किसी भी कीमत पर उसको उजड़ने नहीं देंगे। अब ऐसे में ग्रामीणों ने सरकार से कुछ सवाल किए हैं कि नेशनल एयरपोर्ट को लेकर जब गांव में सर्वे हुआ ही नहीं
तो सर्वे रिपोर्ट कैसे बन गई? नेशनल एयरपोर्ट के लिए झूठी सर्वे रिपोर्ट बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं? जब एयरपोर्ट के दक्षिण साइड काफी जमीन है तो फिर गांव पर सरकार की निगाह क्यों? किसी की खुशियों का गला घोटकर विकास करना, ये सरकार की कैसी मानसिकता है? धरना प्रदर्शन के कुछ दिन बीत जाने के बाद सत्ता पक्ष का जिम्मेदार ग्रामीणों के बीच क्यों नहीं पहुंचा? अगर प्रशासन ने सर्वे किया तो गांव में सर्वे करने के दौरान की फोटो वीडियो जारी क्यों नहीं कर रही? अब इस मामले में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी आंदोलन छेड़ दिया है, यानी ग्रामीणों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर उनके इस आंदोलन में भाग लेने की सहमति जता दी है। और आज भारी संख्या में कांग्रेसियों ने जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने मंदूरी एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से किसानों के समक्ष उत्पन्न समस्याओं पर जिला कांग्रेस कार्यालय से जुलूस निकाला। नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और महामहिम राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश को संबोधित 5 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से प्रेषित कर मांग किया कि अधिग्रहण के पूर्व किसानों से वार्ता कर पूर्ण सहमति अवश्य लिया जाए। हवाई अड्डे से सटे दक्षिण पूर्व तरफ खाली 7 किलोमीटर लंबी 3 किलोमीटर चौड़ी जमीन पर निर्माण कराया जाए। बसी बसाई सघन बस्ती में निवास करने वाले गरीब किसानों को ना उजाड़ा जाए। दिनांक 13 अक्टूबर 2022 की आधी रात को किसानों के साथ हुई बर्बरता की न्यायिक जाँच कराई जाए और आधी रात को किसानों पर बर्बर लाठी चार्ज कराने की करने के दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए। आज हम मंदिरी में जो एयरपोर्ट के लिए 2 फेज में जमीनें अधिग्रहित हो रही हैं उसके संबंध में ज्ञापन सौंपने आए थे। पहले फेज में 360 एकड़, दूसरे फेज में 300 एकड़। ये जो किसानों की जमीन जा रही है उसमें कई छोटे किसान हैं जिनके 2 बिस्वा 4 बिस्वा ऐसे जमीनें अनुओं के आवास हैं और उनके लिए बड़ी गंभीर समस्या हो जाएगी क्योंकि उसी से उनकी रोजी रोटी चलती है और कई लोगों के आवास हैं जो वहाँ से विस्थापित हो जाएंगे। 4,000 एक गंभीर समस्या, 4,000 से ज़्यादा तो वहाँ आवास और कई लोग जो वहाँ से विस्थापित हैं 32,000। और हमारे ख्याल से ये है कि कांग्रेस पार्टी विकास की विरोधी तो है नहीं, लेकिन विकास के नाम पर उत्पीड़न या विनाश इसका तो हम खुलकर विरोध करेंगे क्योंकि विस्थापन कोई समस्या का हल नहीं। जैसे टिहरी में हुआ, टिहरी बांध बनाया गया तो पहले विस्थापितों के लिए स्थापित करने का एक कार्य योजना तैयार की गई, इसके बाद जो है वहाँ सारे कार्यक्रम चले। और यहाँ तो दक्षिण पूर्व में बता रहे हैं 3 से 5 या 7 किलोमीटर तक जमीनें खाली, पर्याप्त मात्रा में जमीनें हैं, उस तरफ बढ़ा दें। कम से कम लोगों के रिहायशी मकान जिससे उनकी यादें जुड़ी हुई हैं, रोजी रोटी जुड़े हुए हैं, छोटे छोटे किसान हैं, उनका कम से कम भला तो हो जाएगा। इस संबंध में हम ये ज्ञापन सौंपने के लिए आए थे। इस खबर को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खबर में आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है अरविंद कुमार सिंह और आप देख रहे थे न्यूज 9 नेटवर्क।